आज अगस्त 11 को एक नहीं दो दो फिल्में रिलीज हुई हैं, गदर 2 और ओएमजी 2। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के कुछ दो वीक के गैप के बाद आज ये दो फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई हैं। एंड एज कस्टमरी हम आ पहुंचे हैं आपके पास अपना वीकली फिल्म रिव्यू लेके, वीकली रिव्यू यानी कि फिल्म का पोस्टमार्टम करने। तो चलिए पहले बात करते हैं सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर गदर 2 की और बताते हैं आपको इस फिल्म के बारे में हमारी राय। सनी देओल एस तारा सिंह एंड अमीषा पटेल एस सकीना टीम अप फॉर गदर 2 आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑफ 22 इयर्स। उन दोनों के बेटे चरणजीत सिंह यानी कि डायरेक्टर अनिल शर्मा के सुपुत्र उत्कर्ष शर्मा को प्यार हो जाता है मुस्कान यानी कि सिमरत कौर से। जैसे गदर एक प्रेम कथा में तारा सिंह अपनी सकीना को पाकिस्तान से वापस लाने जाते हैं, गदर 2 में चरणजीत अपनी मुस्कान के पास पाकिस्तान जाते हैं लेकिन वहां से वापस नहीं आ पाते हैं। अब पापा तारा सिंह पाकिस्तान जाते हैं अपने बेटे और बहू को वापस लाने के लिए। सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971, गदर 2 इज ऑल अबाउट तारा सिंह हु मस्ट वंस मोर बैटल एवरी एनिमी इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द ऑनर ऑफ हिज कंट्री एंड हिज फैमिली। गदर 2 में ठूस ठूस के एक्शन है, ठूस ठूस के मेलो ड्रामा है और फिल्म में हैंडपंप वाला सीन होना तो मस्ट है। गदर 2 के डायलॉग्स बहुत ज्यादा फिल्मी और ड्रामेटिक हैं। सनी देओल और अमीषा पटेल लुक्स ग्रेट ऑन स्क्रीन लेकिन उत्कर्ष एंड सिमरत डिसअपॉइंट। हाउएवर गदर 2 बिलोंग्स टू मनीष वाधवा जो पाकिस्तानी मेजर जनरल हमीद इकबाल का किरदार निभा रहे हैं। ही इज द स्टार ऑफ गदर 2। हमें गदर 2 से बहुत उम्मीदें थी लेकिन फिल्म में कुछ भी नया नहीं है। काश अनिल शर्मा और उनकी टीम ने स्क्रिप्ट पे थोड़ा सिंसियरली काम कर लिया होता तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में गदर मचा देती। अब ये तो हो गई हमारी राय। वैसे अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपकी इस फिल्म के बारे में क्या राय है, आप हमें अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। एंड फॉर ऑल द लेटेस्ट हैपनिंग्स इन द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज वी एट बॉम्बे ब्लूज सेलिब्रेट एंटरटेनमेंट।